जैकी भी चला गया यार। सेरा हमेशा उसके साथ रहता था यार, हमेशा। अब ये किसके साथ रहेगा? और मैं आया है ये वाला पसंद, ये देखो कैसा लग रहा है। सड़क में पहुंच चुके हैं और ये देखो ऐसा है, ये सबसे कमजोर कुत्ता था, मैंने जानबूझ के उठाया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी तो ठीक ही होंगे, लेकिन मेरा बहुत बुरा हाल चल रहा है यार। रिश्तेदारी में ताऊ जी की डेथ हो गई, गाय को हमारी लंबी वायरस हो गई, वो भी बीमार है, साथ में मेरे बाइक के क्या क्या हुआ आपने देख ही लिया होगा, और लास्ट में जैकी भी छोड़ के चला गया, वो भी ऐसे टाइम पे जिस टाइम पे मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आप सभी को पता होगा, जिसने पुरानी वीडियो देखी होगी, तो कितनी मुश्किल से बचाया था यार मैंने उसको। उसकी वजह से मैं 10-15 दिन हमेशा मार्केट गया, डॉक्टर की भी सुनाई, डॉक्टर ने कहा नहीं बचने वाला है, लेकिन मैंने अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाया और बचाया, लास्ट में ऐसी सिचुएशन में मरा। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, शाम 7-8 बजे की बात है रात को, और हमेशा गर्मी की वजह से हमेशा हमारे साथ ही बाहर रहता था, पिछले 5 महीने का हो गया था, 5-6 महीने का, हमारे सामने ही उठा के ले गया, कुछ नहीं कर पाए यार, नीचे तक गए हम, कुछ नहीं कर पाए यार। कितना बुरा लगता है, मतलब किसी को हम इतना चाहते हैं हद से ज़्यादा, आज तक मैंने किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं थी जितनी उसको दी होगी। यहाँ पे रहता था हमने वो बांध के, और यहाँ पे इसका ये खाने के बर्तन है यार, उसको अभी से रखो खिलाया मैंने, इसमें समझ में नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है मेरे साथ। जिसका भी मैं साथ चाहता हूँ वो छोड़ के चला जाता है, वो भी इतनी बुरी तरीके से। 5-6 महीने कम होता है यार, मैंने डॉक्टर आपने देखा होगा, मैंने हर किसी से दुश्मनी मोड़ ली एक कुत्ते की वजह से, और हर चीज़ कर रखा था उसको, मैंने ऐसे सिखा रखा था कि बैठेगा तो पैट, खाएगा तो खा, और इतना प्यार यार शायद ही आज तक किसी ने किया हो मुझसे। कुत्ते यार हमेशा वफादार होते हैं यार, वो भी ऐसे ही था यार, 5-6 महीने में ही छोड़ के चला गया यार। ये लगा लो कितनी बुरी, मेरे रूम में सोता था यार, घर वाले सब गाली देते थे मेरे को, तूने रूम में क्यों सुला रखा है, लेकिन मैं उसे हमेशा अपने पास रखता था। अब साला उस रूम में सोने का मन भी नहीं कर रहा है, जब भी रूम में जा रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है यार कि उसकी याद आ रही है अचानक ही, इतनी ज़्यादा कि भाई रात को खाना भी नहीं खा पाया यार। कभी जैकी और सेरा साथ में खाते थे, ना वो इसको कुछ बोलता था ना ये उसको कुछ बोलता था, मैं कभी उसको कुत्ता समझा ही नहीं यार, अपने छोटे भाई की तरह रखा, अपने दिल से लगा के हमेशा मेरे साथ रहता था, शाम को घुमाने ले जाता था, मतलब आधे से ज़्यादा दिन मेरा उसी के साथ गुजरता था। और जहाँ से मैं उसको लाया था ना, उसके पास 5-6 डॉग थे और सबसे कमज़ोर वही था, और मैं उसको, मैंने कहा हमारे घर में घी दूध सब है और इस वजह से सबसे कमज़ोर उठा के लाया ताकि हमारे घर में ठीक ठाक बन सके। आते ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा नहीं बचने वाला है, मैंने कहा कैसे नहीं बचेगा, मैंने इतना एफर्ट लगाया कि मैं रात रात उसके पास रहा, कितने ही देवताओं के पास गया कि भगवान ठीक कर देना, और लास्ट में आप लोगों ने ही ऐसा, लास्ट में सभी भगवान ने धोखा दे दिया। आजकल का ज़माना ऐसा हो गया ना, जो गलत कर रहा है ना ऊपर वाला भी उसी का साथ दे रहा है, जो सही कर रहा है सुबह शाम पूजा करता था, कुत्ते को भी ऐसा ट्रेन कर रखा था मैंने, जो बोलता था वही करता था। उसकी पुरानी हरकतें दिखाऊंगा मैं वीडियो में, देखना यार कितना छोटा था और कितना समझदार था यार वो। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि समझदार लोग जल्दी चले जाते हैं यार, ऐसी उसी के साथ हुआ यार, चला गया तो ठीक है, लेकिन यार मेरा क्या हुआ, मैं कहीं अपने रूम में भी नहीं जा पा रहा हूँ यार, उसकी चैन देख रहा हूँ उससे और रोना आ रहा है यार, छत में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ आसपास सब उसी की याद आ रही है यार, क्योंकि दिन भर वो मेरे साथ ही रहता था, मैं इधर उधर भी जाता था, फ़ोन करता रहता था, वीडियो कॉल करता रहता था कि उसको दिखाओ यार कैसा है, वो ठीक है कि नहीं, उसके लिए पानी पूनी सब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बाथरूम ले जा रहे हो कि नहीं, क्योंकि यार सब लोग काम पे बिजी रहते थे, तो इस वजह से मैं फ़ोन कर करके बोलता था कि यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, और लास्ट में देखो यार कहाँ ले गए यार। अरे सुनैने को देखो यार, ये लंपी वायरस ऐसा हो रहा है कि सब जगह देखो ऐसे निशान पड़ रहे हैं, आप बताओ यार, टीके भी लगा दिए, पूरी देखभाल भी कर रहे हैं, क्या बताऊं हैं, और ये बेचारी अलग परेशान हो रखी है। गलती सरकार की भी है, लेकिन सरकार अपनी गलती मानेगी नहीं, खुद के बीवी बच्चे देहरादून में रहते हैं और गांव में देखो कैसे कैसे हाल हो रहे हैं, हमारा तो जैकी मरा है, लेकिन और गांव में आपने सुना होगा कि औरतों महिलाओं आदमी बच्चों पर अटैक कर रहे हैं यार, तो आप लोग पंजरे में नहीं बांध सकते क्या, उनको जंगल से लेके नहीं जा सकते, अगर हम लोग किसी पे गोली मार दें तो हम ही जेल में चले जाएं, हम लोग घर के अंदर भी कितना रहे कि घर से ही उठा के ले जा रहा है यार, वो तो हमारा बाहर कहीं छोड़ रखा, मुँह के सामने से ले गया यार। जैकी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ देख रहा हूँ ना तो बहुत रोना आ रहा है, यहाँ यहाँ जाया करता था वो, मैं उसको आवाज़ दे के बुलाता था जैकी, या एक ही आवाज़ में सुन के तुरंत आ जाता था यार। लंपी वायरस इतना खतरनाक वायरस है ना, क्या बताएं यार, सारी गायों को प्रॉब्लम हो रही है, हमारे गांव में ऐसे हो गया है, बैलों के अलग पैर सूज रहे हैं यार, तो सरकार पता नहीं क्या कर रही है यार, अपना देखना है, अपने वोटिंग लिस्ट में देखना है, गाँव में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, 2-3 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, हमारा कुछ देखना ही ये नहीं, वोट भी हम ही दें और लास्ट में उल्टा मार भी हम ही खाते। दोस्तों आप लोग बताओ यार, उत्तराखंड में किसके साथ भला हो रहा है, किसी के साथ नहीं,
जो बच्चे सालों मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, उनके साथ लास्ट में धांधली वाले बच्चे आगे निकल रहे हैं जो पैसे दे के बन रहे हैं। जो किसान मेहनत कर रहे हैं उनकी उतनी फसल हो ही नहीं रही है। जिनके पास गाय भैंस पाल रखी उनको अलग बीमारी रखी हुई है। और जो लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ स्कूल व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, किसी गांव में पानी नहीं है तो कहीं नेटवर्क ही नहीं है, कहीं सड़क ही नहीं है। यार पूरा उत्तराखंड मतलब ऐसे झेल रहा है, पलायन की मार झेल रहा है, सब लोग धीरे धीरे पलायन करके जा रहे हैं। दोस्तों हाथ मुंह धो के अब जा रहा हूँ मैं अपने खेत में, और सुबह से कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा यार। रात से हर बात को उसी की याद आ रही है, किसी भी कोने में जा रहा हूँ घर के उसी की यादें आ रही है, हर जगह वही रहता था, उससे जुड़ी हुई चीज़ें हमारी पूरी चार है। और यहाँ पे देखो साक्षी ने सुबह उठ के आ गई और घास भी निकाल के रख दिया, बहुत मेहनत है यार पहाड़ों में। मैं भी खेत में पहुँच चुका हूँ, बाकी दादाजी भी हल लगाने पे लगे हुए हैं, एक खेत लगा भी लिया मेरे आने से पहले, मम्मी और साक्षी भी लगी हुई हैं, और साथ में सभी लोग दूर दूर तक अपने खेतों में आ रखे हैं। ये देखो मेहनत तो बहुत है यार खेतों में, लेकिन उस प्रकार का फल नहीं मिलता है जितना हम सुबह से लेकर शाम तक इन्हीं खेतों में रहते हैं। प्लांट्स में तो ट्रैक्टर वाली मशीन से लगता है हल, लेकिन पहाड़ों में बैलों से ही लगाया जाता है। साथ में यार जब भी मैं आता था तो जैकी भी इन्हीं खेतों में आता था, तो बहुत अजीब सा लग रहा है यार आज। मस्ती करते हुए यहाँ से वहाँ जाता था, फिर एक आवाज लगाओ तुरंत आता था मम्मी और साक्षी के साथ, तो बहुत खेलता था। दूर दूर तक लोग इतने काम करने पे लगे पड़े हैं, ये देखो कितने दूर है हमसे, सभी लोग अपने खेतों में आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये देखो यार बाप रे, और यहाँ पे हमारा हल लग रहा है। दादा की उम्र भी लगभग 80-85 साल हो गई होगी और खुद ही हल लगाते हैं, और हमारा नहीं गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं 5-6 जिनका हल लगाते हैं। प्लेन्स में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो हमेशा बेड पे ही रहते हैं, शाम को घूमने जाते हैं, लेकिन पहाड़ों में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत ही करते हैं। कुछ देर हल लगाने के बाद बैठूं और बाकी हल लगाना ही नहीं आ रहा है मुझे, कभी सीखा ही नहीं ना। पहले हम मुरादाबाद रहते थे और 2-4 साल ही हमें घर आए हुए हैं। कौन सी दाल भूत रहे हैं आज हम? उड़द वाली दाल भूत रहे हैं। उड़द और गेहूं की दाल भूत रहे हैं, नीचे वाले खेत में भी ऊपर वाले में भी। अभी मम्मी और साक्षी तो खेत में काम पे लगे हुए हैं, बाकी मैं ये स्वल्टा घर लेके जा रहा हूँ, गाय भैंस को अभी खिलाना है और साथ में दिन का खाना भी मैंने ही बनाना है। और यहाँ से हमारे गांव का बहुत प्यारा सा व्यू दिखाई देता है, ठीक सामने माता रानी का मंदिर है, भले आजकल माता रानी साथ नहीं दे रही है, और ऐसे दिन किसी को ना दिखाए यार ऊपर वाला कि सब कुछ एक झटके में ही, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए। यार सरकार का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर जानवर इंसान को मारेगा तो कुछ नहीं, अगर इंसान जानवर को मार देगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। पूरे 3 हफ्ते बाद थोड़ा सा पानी आ रहा है, वरना मैंने फिर आज पूरे दिन पानी सराने में लगना, पूरा साल लगने वाला है। ये देखो फिर चला गया, आ रहा है जा रहा है, दोनों बहनों को बांटना है। और ये देखो कितना वो आ रखा है इन पे गुस्सा, बाकी सोमिया को दे दिया, अब सुनैना के पास चलते हैं। हाँ ये पूरा घास डाल दिया है, और ये भी एक ही टाइम के लिए होता है, दिन का समय हो गया, अब चावल भी रखते हैं, और ये होता है शोर। तो अभी हम खेत से घर आ चुके हैं, हमने खाना भी खा लिया है, और अभी यहाँ पे हम निकाल रहे हैं न्यार पेड़ से। मम्मी ने इस पेड़ से न्यार निकाला वो इसलिए क्योंकि आजकल हमेशा शाम को बारिश हो रही है, और बारिश के कारण ना न्यार सड़ रहा है, फिर गाय भैंसों को सड़ावा नहीं देते। तो अभी भैया और मम्मी लगा रहे हैं यहाँ पे भारा, और यहाँ पे देखो शेरा भी आ गया क्योंकि यहाँ बंदर आ रखे हैं ना बहुत सारे। हमने आधा न्यार सार दिया और अभी इतना सारा रह चुका है, और इसको भी सारे हमने ये सारा न्यार गौशाली के अंदर रखना है। अभी सारा न्यार यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने। हमें आया है ये वाला पसंद, ये देखो कैसा लग रहा है। फाइनली कुत्ता लेके सड़क में पहुंच चुके हैं, और ये देखो
ऐसा है, ये सबसे कमजोर कुत्ता था, मैंने जानबूझ के उठाया। मैंने कहा अकेले पालने वाला हूँ तो इसको बढ़िया से पालेंगे। बड़ी दूर आए हम लेने, लगभग 80 किलोमीटर आना जाना लगा रहेगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ये मेरी तरह है काला, हम भी काले हैं। और ये देखो ये ऑल ब्लैक है, इसको बाद में दिखाऊंगा। इसको दिखाओ भाई, नहीं करता रुक जा। शेरा का दोस्त है ये। हेलो गाइस, शेरा ले। डर रहा है? नो no. अभी बोलूंगा खा। रुक खा। नो नो। हेलो, देखो दोस्तों अभी बहुत छोटा है लेकिन इसको बहुत अच्छे से सुधार रखा हमने और बहुत जिद कर रहा है ये। नो no. बस इसको नो no बोलना है तो ये समझ जाता है। काफी तेज कुत्ता है। खा, अब खिला ही देते हैं यार इसको। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए।